लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का अहलकार शहीद हो गया। लकी मरवत में रात गए दहशतगर्दों ने खुदकार हथियारों से पुलिस चौकी शहबाज खेल पर हमला कर दिया, जिसे बहादुर जवानों ने पसपा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि साल 2022 का वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। रबुल इज्जत पर ईमान और कौम अपनी कौम पर एतमाद है कि तहरीक इंसाफ 2023 में इंतखाब के जरिए एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी। कराची समेत मुल्क भर में 2023 का पहला सूरज तुलू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में साले नौ का पहला सूरज 7:16 पर तलू हुआ। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि 2023 का पहला सूरज शाम 5:54 पर गरूब होगा। साले नौ के मौका पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग के बायस गोलियां लगने से कमसन बच्ची और औरतों समेत 22 अफराद जख्मी हो गए, जबकि लाहौर में भी हवाई फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मुतादिद मोटरवेज बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्क की 5 मोटरवेज पर शदीद धुंध है। मोटरवे M5 रुकनपुर इंटरचेंज से रोहरी टूर प्लाजा तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। NIH की जानिब से जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,135 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.51% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।